स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आज हेवा द्वारा सेकंड ग्लोबल सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट लीडरशिप अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। हमारे साथ अवार्डी मौजूद है, बातचीत करते हैं और जानते हैं। और मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या, आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम ममता कपूर है, मेरी कंपनी कैप्स क्रिएशन जो वॉल हैंगिंग बनाती हैं, और मैं लास्ट 35 साल से ऊपर हो गए हैं हम लोग को इस लाइन में काम करते हुए, और मैं अकेली हूँ इस लाइन में जो इस प्रोडक्ट को बनाती, इसलिए मुझे ये बी प्राउड का अवार्ड मिला है, क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान में गर्व करते हैं अपने कारीगरों पे, अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि ये सारा हमारा हाथ का बना हुआ है। नो मशीन यूज, इसमें कोई मशीन का यूज़ नहीं है। इवन देन हम लोग जो डाई करते हैं, कलर करते हैं, उसको कलर देने के लिए, वो भी हम हाथ से डाई करते हैं। हमारे यहाँ मशीन का कोई यूज़ नहीं है, और 40 सालों से लगभग मैं इस प्रोडक्ट से जुड़ी हूँ। बनारस में मेरा फैक्ट्री है जहाँ से हम लोग ये सारा प्रोडक्ट करते हैं। नोएडा में मेरी ऑफिस है और इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट पे हमारा ऑफिस है, हम लोग वहीं से ये एक्सपोर्ट करते हैं। मैम, राकेश सचान मंत्री हैं, उनके द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसा फील हो रहा है? नेचुरली मुझे प्राउड का ही अवार्ड मिला है, और मुझे प्राउड तो फील हो ही रहा है राकेश सचान जी के हाथों से अवार्ड मिल के। हालांकि मैं उनसे पहले बार भी कई बार मिल चुकी हूँ, भारत मंडप में भी मिली हूँ, वहाँ भी मेरी काफ़ी बाइक उनके साथ हुई है, लेकिन ये अवार्ड लेते वक्त जितना मुझे प्राउड फील हुआ है, बी ए प्राउड अवार्ड, तो ये मुझे प्राउड ही फील हो रहा है, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे कारीगर और जो मैंने मेहनत करके, क्योंकि पहले तो स्टार्ट मैंने ही किया था इसको, और अपने हाथों से एक एक चीज़ बनाना, उसको प्रेजेंट करना, फिर मार्केट में लाना, आप समझ सकती हैं एक लेडीज़ के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है। और गांव-गांव में जाके, मैंने घर घर में जाके, जहां ये कारीगर थी लेडीज़ काम नहीं करती थी, उनको बाहर निकाल के मैंने ये काम शुरू किया है। मैं उनको सिखाती भी हूं और वो काम भी करती है, मेरा समूह चलता है, समूह में वो काम करती है, लेकिन मैंने अभी तक कभी उनका नाम नहीं लिया, और ना ही मैंने उसको आगे प्लेटफॉर्म दिया कि मेरे को आगे लेके आओ, बट इन लोगों ने मुझे ढूंढ के निकाला है, तो इसके लिए तो मुझे वैसे भी प्राउड फील है। तो किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आज का अवार्ड? ये अवार्ड पहली बात तो मैं अपने आप को ही डेडिकेट करूँगी, क्योंकि ये मेरी मेहनत है, बट मेरी पूरी फैमिली और मेरे पूरे स्टाफ, जो मेरा कारीगर है जिसकी मेन मेहनत यहाँ तक ये रंग लाई है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं उनके साथ और वो मेरे साथ खड़े हुए लगभग 35 साल से। अभाव जो एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, हेवा जो प्रयास कर रहा है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? नेचुरली हम लोग इतने सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जितना एक्सपोर्ट पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि मैं देश के लिए ही काम करती हूँ, और इसीलिए मैं हर चीज़ को देश को समर्पित करती हूँ। ये अवार्ड भी बेसिकली मेरा देश को ही जाता है, क्योंकि मैंने देश के लिए ही काम किया है, मैंने अपने देश के प्रोडक्ट को बाहर पहुँचाया। जैसे कि अभी आपने बाइट में ही सुना होगा, मंत्री राकेश सचान जी ने भी बोला कि हमारे जो ये प्रोडक्ट हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं, वो खरीदारी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए तो वैसे भी बहुत प्राउड का मोमेंट है, और मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मैम, 10 मिनट से बात करने के लिए बहुत